बी ए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद। कवि घनानंद की जो रचना थी हमारे सिलेबस में जिसका नाम था घनानंद कवित्व, उसमें उन्होंने कवित्व और सवैया छंद में कुछ पद्यांश हमारे सिलेबस में रखे हैं, जिसमें से 8 पदों पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें उन्होंने सुजान नाम की जो वेश्या है जिन्होंने उनके साथ बेवफाई की उसके विरह में उन्होंने किस तरह की अनुभूति की है उसको अभिव्यक्त किया है। उधर अलौकिक रूप में राधा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण के विरह में राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दे रही है। उधर लौकिक रूप में घनानंद जी है जो उनकी प्रेमिका सुजान नाम की जो वेश्या है उसको उलाहना दे रहे हैं जिन्होंने उनके साथ बेवफाई की है। तो देखिए अगला जो पद है ना उसमें हम चर्चा करेंगे वो है सवैया छंद है, और देखिए लौकिक रूप में घनानंद जी सुजान को कह रहे हैं, अलौकिक रूप में राधा वो भगवान श्री कृष्ण को कह रही है, किस तरह उलाहना दे रही है। देखिए पहले अपनाए सुजान सने सो क्यों फिरते है ये के तोरी ये जू, निर्धार अधार देधार मझार दई गई बाहन बोरी ये जू, घन आनंद अपने चातिक को गुण बांध ले मोहन छोड़िए जो, रस प्याए के जाए बढ़ाए के आस विश्वास में यो बिसे घोरिए जो। देखिए क्या कहा है, उल्हाना दे रहे हैं, उल्हाना देते हुए घनानंद जी कह रहे हैं सुजान से, उधर राधा कह रही है भगवान श्री कृष्ण से, क्या कह रही है, पहले अपनाए सुजान सनेस हो, कहे सुजान पहले तो आपने सनेस हो प्रेम पूर्वक को अपना लिया है, अर्थात पहले तो आपने प्रेम पूर्वक हमसे प्यार कर लिया है, वो पहले अपनाए सुजान सनेसो। सुजान भगवान श्री कृष्ण को राधा कह रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण पहले तो आपने प्रेम पूर्वक हमको अपना लिया है, हमसे प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है, और क्यों फिरते है ये के तोर ये जो, जब आपने पहले आगे से ही जब इस तरह प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है तो फिर क्यों फिरते है के तोर ये जो, तो फिर आप क्यों तेहे के, तेहे का मतलब क्रोध करके गुस्से में आकर के फिर उसको क्यों तोड़ रहे हो, अर्थात पहले तो आपने प्रेम पूर्वक हमसे प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है और फिर अब आप इस तरह बेवफाई करके और इस तरह गुस्से में आकर के क्रोध से आप उसको तोड़ रहे हो, तो फिर उसको क्यों तोड़ रहे हो, जब आपने पहले आगे से इस तरह प्रेम संबंध स्थापित किया तो फिर उसको गुस्से में आकर क्रोध में आकर क्यों तोड़ रहे हो, तो उलाहना दे रहे हैं। आगे फिर देखिए क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रहे हैं निर्धार अधार देधार मझार, निर्धार अधार अर्थात जिस तरह कोई निराधार को आधार दे देता है, सहारा दे देता है, किसमें धार मझार, धार के मध्य में, जिस तरह कोई बहती हुई धारा है और उस बहती हुई धारा के मध्य में जिस तरह कोई निराधार व्यक्ति को पहले सहारा दे देता है, आधार दे देता है, और फिर दई गई वाहन बोरिए जो, निर्धार आधार दे धार मजार दई गही बहाएं, फिर आप गही बहाएं उसकी बाहों को पकड़ करके, अर्थात पहले तो जिस तरह कोई निराधार व्यक्ति को धारा के मध्य में सहारा दे दिया जाता है, आधार दे दिया जाता है, और फिर उसकी बाहें पकड़ करके न बोरिए जो, फिर उसको डुबोना नहीं चाहिए। देखिए वो कह रहे हैं घनानंद जी कह रहे हैं सुजान से, उधर राधा कह रहे भगवान श्री कृष्ण के, पहले तो आपने हम निराधारों को जो हम कोई प्रेम संबंधी नहीं जानते थे, प्रेम संबंधी इस तरह की इन बातों से हम अनभिज्ञ थे, ऐसे उन व्यक्तियों को पहले तो आपने प्रेम रूपी इस तरह का आधार दे दिया, निर्धार आधार दे धार मधार, अर्थात इस तरह उस प्रेम रूपी धारा में आपने इस तरह हमको सहारा दे दिया, आपने हमको अपना लिया, फिर दई गए वाहन बोरिए जो, दई गई वहां, फिर आप वहां पकड़ करके और इस तरह विरह रूपी उस समुद्र में हमको डुबो मत, अर्थात जिस तरह कोई धारा होती है उस धारा के मध्य में जिस तरह किसी निराधार व्यक्ति को पहले हम सहारा दे देते हैं, आधार दे देते हैं, और फिर उसकी वहां पकड़कर को उसको डुबो देते हैं, तो ऐसा आप मत करिए। निराधार आधार दे धार मझार, निराधार को इस तरह धार के मध्य में सहारा दे करके और दई गई वाहन बोरिए जो, और फिर वहां पकड़ करके आप इस तरह हमको मत डुबोइए, आप इस तरह हमसे दूर मत जाइए, इस तरह यहाँ घनानंद जी सुजान से कह रहे हैं, उधर राधा भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। आगे फिर क्या कह रहे हैं, आगे देखिए फिर कह रहे हैं घन आनंद अपने चातक को, घनानंद जी कह रहे हैं कि हे सुजान
आप इस तरह अपने इस चातक को, इस चकोर को अर्थात शम के लिए कहा है कि हे सुजान, इस घनानंद रूप इस चकोर को गुण बांध ले मोहन छोड़िए जो, गुण बांध ले, अपने प्रेम रूपी रस्सी से आप बांध लीजिए, न छोड़िए जो, आप इसको इस तरह बेसहारा मत छोड़िए। उधर राधा कह रही है, घनानंद के रूप में राधा कह रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे इस मन रूपी पक्षी को, मन रूपी चकोर को आप अपने प्रेम रूपी रस्सी से इस तरह बांध लीजिए और इसको इस तरह बेसहारा मत छोड़िए। वो देखिए, घन आनंद अपने चातक को गुण बांध ले मोहन छोड़िए जो, और इसको इस तरह प्रेम रूपी रस्सी से बांध करके मोह में इस तरह मत छोड़िए, इसको असह मत कीजिए। रस प्याय के ज्वाय इस तरह हे सुजान, हे भगवान श्री कृष्ण, रस प्याय के ज्वाय, इसको प्रेम रूपी रस पिला करके इसको जीवित करो, इसको पुनर्जीवन प्रदान करो। रस प्याय के ज्वाय बढ़ाए के आस, और इसको इस तरह आशा बढ़ा करके इसकी विश्वास में नियो विश घोरिए जो, अर्थात इस तरह इसको विश्वास करा करके, कौन सा विश्वास, कि प्रियतम कभी तो, प्रियतम है वो कभी तो आकर के मिलेंगे, इस तरह की इस आशा में इस तरह का विश्वास बढ़ा करके यो विष घोरिए जो, इस तरह का विश्वास मत घो, विष घोरिए जो अर्थात जहर मत घोलिए, अर्थात इस तरह आप इस विश्वास में इस तरह का विष मत घोलिए जी। इनका जो विश्वास बना हुआ है, कौन सा विश्वास, जो इनको आशा लगी हुई है प्रियतम कभी तो हमसे आकर के मिलेंगे, इस तरह की आशा, इस तरह के उस विश्वास में इस तरह का ये जहर मत घोलिए, इस तरह का आप व्यवहार मत करिए। यहाँ इस तरह से यहाँ घनानंद जी है वो सुजान को उल्हाना दे रहे हैं, उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रही है रस प्याय के ज्वाय, अर्थात आप इस तरह प्रेम रूपी रस पिला करके इसको जीवन प्रदान कीजिए, बढ़ाए के आस, और इनकी इस तरह की जो आस है, कौन सी आस, कि प्रियतम कभी तो इनको दर्शन देंगे, ऐसी इस आशा को बढ़ा करके और इस तरह के इस विश्वास में इस तरह का ये वियोग रूपी जहर मत घोलिए जी, इस तरह यहाँ उनको उल्हाना दे रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ निर्धार आधार दिधार मझार बार बार निराधार आधार, तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार भी है, वैसा छंद सवैया है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। और यहाँ घनानंद ने उस सुजान को चंद्रमा के समान बताया है और स्वयं को चकोर के समान बताया है, तो देखिए यहाँ भी एक प्रेम की एक निष्ठा व्यक्त हो रही है। आगे देखिए अगला जो पद है वो है रावरे रूप की रीति अनूप, देखिए सवैया छंद है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए, त्यों इन आखिन बाने अनोखी अगानी कहूं नहीं आन तिहारिए, एक ही जीव हु तो सुत व्यारो सुजान सको चोर सोच सहारिए, रोक रहे न दहे घन आनंद बावरी रीच के हाथ नुहारिए। देखिए वो वियोग की दशा है और वियोग में वो किस तरह अपनी अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ कवि कह रहा है घनानंद जी सुजान को संबोधित करते हुए, उधर राधा है वो को भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है अलौकिक रूप में, देखिए क्या कह रहे हैं, राव रे रूप की रीति अनूप, देखिए इसमें भी प्रेम की एक निष्ठा है, तो वो कह रहे हैं कि हे सुजान, आपके जो रूप है, आपका जो स्वरूप, आपका जो सौंदर्य, उसका तो कुछ तरीका ही अलग है, अनूप है, उपमाओं से रहित है। देखिए, राव रे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए, उसको जो जो हम देखते हैं वैसे ही वो नए नए रूप में दिखाई देता है। देखिए ऐसा होता है, कोई भी जो प्रियतम है या प्रियतमा है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो रूप है, वो अपने जो भी प्रिय है उसको जितनी भी बार वो देखेगा वो नए नए रूप में दिखाई देता है। तो इसी तरह यहाँ घनानंद जी को सुजान का जो रूप है वो नए नए रूप में दिखाई दे रहा है, उधर राधा को भगवान श्री कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा है, तो वो कह रहे हैं देखिए क्या कह रहे, रावरे रूप की रीति अनूप, आपका जो रूप है, आपका जो सौंदर्य है, वो तो कुछ अलग ही तरह का है, अनूप है, उपमाओं से भी हटकर है, नए नए लागत जो जो निहारे, उसको जो जो देखते हैं, जब जब उसको देखा जाता है तब तब वो नए नए रूप में दिखाई देता है, तो इन आखिन वान अनोखी। आगे देखिए क्या कहा है, जिस तरह आपके रूप की जो, आपका जो रूप है उसकी जिस तरह रीति अलग है, उसका जो व्यवहार उसका अलग है,
वो जिस जब देखते हैं तब तब वो नया नया दिखाई देता है, उसी तरह हमारी आंखों की आदत है वो भी अलग तरह की है। तो देखिए उस बात को वो बतलाते हुए कह रही है कि जिस तरह के आपके रूप का जो व्यवहार है उसी तरह हमारी आंखों की आदतों का व्यवहार है। तो देखिए उस बात को कह रही है, त्यों इन आंखिन वान अनोखी, उसी तरह अर्थात जिस तरह आपके रूप का जो व्यवहार है वो अलग तरह का है, अनोखा है, वो जब जब दिखाई देता है तब तक अलग अलग नए नए रूप में दिखाई देता है। तो इन आंखिन वानों की, उसी प्रकार हमारी आंखों की जो आदत है वो भी कुछ अलग ही रूप की है, वो भी कुछ अलग तरह की है, अनोखी है। तो इन आंखिन वान अनोखी अगानी कहूं नहीं आन तिहारी अगान कहूं नहीं, ये कभी भी आपके उस नए नए रूप को देखते हुए कभी भी नहीं आगा पाती है, कभी भी नहीं तृप्त होती है, अर्थात हमेशा उसको देखती ही रहती है और तृप्त नहीं हो पाती है। अगानी कहूं नहीं, अर्थात कभी भी नहीं आगा पाती, कभी भी नहीं तृप्त होती है। आन तिहारी नहीं आन तिहारी, और कभी भी अन्य की तरफ नहीं देखती है। अगानी कहूं नहीं, अर्थात कभी भी आपके रूप से आघाती नहीं है, नहीं आन तिहारी और न ही किसी अन्य की तरफ देखती है, अर्थात हमेशा आपको ही देखती रहती है और आपके उस रूप को देख देख करके कभी भी ये तृप्त नहीं होती है, हमेशा उसके प्रति इस तरह से आकर्षित बनी रहती है। इस तरह इनकी भी आंखों की भी आदत कुछ अनोखी है। आगे देखिए फिर कह रहे हैं, एक ही जीव हो तो सुत बैरो, आगे फिर कह रहे हैं घनानंद जी कह रहे हैं, उधर राधा कह रही है भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हो, क्या कह रहे, एक ही जीव हो तो सुत बैरो, कि हमारे पास तो एक ही जीव था, एक ही प्राण थे, सुतो बैरो, सुतो यानी ऐसे उस प्राणों को भी हमने आपके रूप के ऊपर न्योछावर कर दिया, आपके साथ वेद दिया, एक ही जीव तो सुत बैरो, अर्थात हमारे पास एक ही जो जीव था और ऐसे उस जीव को भी हमने आपके स्वरूप के ऊपर न्योछावर कर दिया, एक ही जीव हुतो सुत बैरो, सुजान सकोच और सोच सहारिये, सुजान सकोच और सोच सहारिये, इसलिए हे सुजान, इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, संकोच और सोच सहारिये, इसलिए आप इस तरह के संकोच में, इस तरह की इस चिंता में, इस विरह की इस पीड़ा में अब आप ही हमको संभालिए। अर्थात हमारे पास तो एक ही जीव था, वो भी हमने आपके उस रूप सौंदर्य पर न्योछावर कर दिया, इसलिए हे सुजान संकोच और सोच सारी, इसलिए हम आपसे संकोचवश कह रहे हैं कि इस तरह की सोच में, इस तरह की विरह की पीड़ा में आप ही हमको संभालिए, आप ही हमारी सुरक्षा कीजिए, आप ही हमें संभालिए। संकोच और सोच सहारिये, रोक रहे न दहे घन आनंद, रोक रहे न, अब हम रोके, रोकने पर भी नहीं रुक सकती, रोक रहे ने, रोक रहे दहें घनानंद, हे घनानंद हम आपके उस ग्रह की पीड़ा में जल रही है, आपके वियोग में जल रही है, हम रोकने पर भी नहीं रुक रही है। रोक रहे न दहें घनानंद, बावरी रीज के हाजन हारिए, बावरी रीज के हाथन हारिए, हम उस बावरी रीज, रीज का मतलब होता है कि प्रियजन पर मुग्ध होना, अर्थात हम जो मुग्ध है प्रेम में, अत्यधिक जो आकर्षण है, ऐसे उस आकर्षण के हाथों हम हार चुकी हैं, अर्थात ऐसे उस बावरी रीज के है, उस बावरी उस मुग्धता के हम हाथ पड़ चुके हैं, उसके हम वशीभूत हो चुके हैं और उसके वशीभूत होकर के हम हार चुके हैं, इसलिए अब हम रोकने पर भी नहीं रुक रही हैं और आपकी उस विरह की पीड़ा में जल रही हैं, क्योंकि हम उस रीज के हाथों हार चुके हैं, हम उस मुग्धता में या आपके उस प्रेम में वशीभूत हो चुकी हैं और आपके प्रेम में इस तरह वशीभूत होकर के और हम विरह में अब जल रही हैं, रोकने पर भी नहीं रुक रही हैं, इसलिए अब आप ही हमको संभालिए, आप ही हमारी सुरक्षा कीजिए। इस तरह यहाँ घनानंद जी सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और अलौकिक रूप में उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है कि रोक रहे न दहे घनानंद, कि हम रुकने पर भी नहीं रुक रही हैं, दहे घनानंद, हे घनानंद हम आपके उस वियोग की पीड़ा में जल रही हैं, बावरी रीज के हाथन हारिए, हम बावरी उस रीज, रीज का मतलब होता है मुग्धता, अत्यधिक प्रेम में आकृष्ट कर लेना, प्रेम में अत्यधिक आकृष्ट करने की जो इस तरह का जो व्यवहार होता है, ऐसे उस व्यवहार के हाथों हम हार चुकी हैं, अर्थात हम उसके वशीभूत हो चुके हैं, इसलिए अब आप ही हमको संभालिए, नहीं तो हम आपके वियोग में जल रही हैं, रोकने पर भी नहीं रुक रही हैं। देखिए यहाँ पर एक निष्ठ प्रेम है और एक निष्ठ प्रेम के साथ साथ विरह में, अत्यधिक विरह की पीड़ा में कवि ने अपनी इस तरह की जो अभिव्यक्ति है पीड़ा की, प्रेम की पीड़ा की, उसको व्यक्त किया है। धन्यवाद। इसके बाद जो अगला पद है उसको हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही पढ़ाएंगे।